मैं हेलमेट मैं राघवेंद्र कुमार और कल हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी का दिन और मैं वाराणसी के अंदर कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये वरुणा पुल है जहाँ पे एसपी पेट्रोल पंप है। मैं आर्मी में नहीं हूँ, सरहदों पे जाके लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन जो देश के अंदर है मैं लोगों की रक्षा जो करने के लिए लोग हेलमेट दिया करता हूँ, जो आज मुझे पूरा भारत हेलमेट मैन के नाम से जानता है। तो कल के दिन 12:30 बजे दिन में अगर कोई भी व्यक्ति मुझे सिर्फ एक तिरंगा अगर देता है तो मैं उसे एक हेलमेट दूंगा। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इस देश को आज़ादी के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने कुछ लड़ाई लड़ा और हमें इससे अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके भारत को आज़ाद कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, हमारे भारत के नागरिक की मौत नहीं होती थी जो आज भारत के अंदर सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। फिर भी मैं देखता हूँ कि भारत के जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उन लोगों को भी मैं देखता हूँ कि सड़कों पर बगैर हेलमेट चला करते हैं और उसका नतीजा ये है कि भारत के अंदर जितनी जो मौत होती है वो विश्व के पहले स्थान पर होती है। आज भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो 4 लाख ऐसे युवा लोग होते हैं जो हमेशा के लिए शरीर उनका काम करना बंद कर देता है, एक तरीके से बोले तो वो विकलांग हो जाते हैं। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है भारत के अंदर। इस साल 2021 में आपको पता है कि एक महीने रोड सेफ्टी ये चीज़ें मंथ चल रहा है जो पहले वीक चला करता था। तो कहीं ना कहीं हम भारत के हर नागरिकों तक ये संदेश देने के लिए, आपको पता है कि मैं पिछले 7 साल से तमाम भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों को हेलमेट देने के एवज में पुरानी पुस्तक लिया करता हूँ ताकि हमारा भारत 100% साक्षर हो सके। जो पिछले 7 सालों में जो हमने 48,000 लोगों तक हेलमेट दिया है और उसके बदले में जो हमने पुस्तक ली वो लगभग 6 लाख बच्चों तक हमने पुस्तकें पहुँचाया हुआ है। तो इस बार मैं गणतंत्र दिवस पर मैं आप लोगों से बनारस के अंदर आमंत्रित कर रहा हूँ। जो पिछले 4 से 5 महीने तक जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो लोग मुझे पुस्तक ला करके जो हेलमेट लिया करते थे, तो कल के दिन 12:30 बजे से अगर कोई भी मुझे एक तिरंगा आकर ला करके देता है तो मैं उसे एक हेलमेट दूंगा। ताकि तिरंगे का मतलब जो है यहाँ यानी कि जो साक्षर होना चाहिए, अगर आपकी मैं सुरक्षा के लिए हेलमेट दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जरूर कुछ मकसद है और उद्देश्य है। ये है कि जो 2018 में जितनी लोगों की मौत हुई 1.5 लाख लोगों की, 2019 में भी हुई और 2020 में भी हुई और ये 2021 में भी होना तय है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम जागरूक हो गए तो कहीं ना कहीं इस मौत के आंकड़े को जरूर कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके इस तिरंगे के द्वारा मैं मैसेज दूँ ताकि अगर आप चाहें तो हम अगले साल भी जो 1.5 लाख मौत में जो आंकड़े उसको कम कर सकते हैं और फिर से उस हाथ में तिरंगा लेने लायक बना सकते हैं। और अगर आप हेलमेट हमसे ले रहे हैं तो इसके वजह में आज बहुत सारे बच्चे हैं, जो करोड़ों बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, अगर आपके घर में जो पुस्तक रखी हुई है तो आप उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के बारे में मतलब समझ सके, आखिर हाथ में तिरंगा इसका जो स्वाभिमान वो अपने अंदर ले सके और भारत को इस तिरंगे के प्रति इस आज़ादी के प्रति वो बता सके इसकी गरिमा को, ताकि हर हाथ वो भी कल को दूसरे को तिरंगा देने लायक बने। तो यही मैं मैसेज देने के लिए, अगर कल 12:30 बजे आप मुझे एक तिरंगा भी मुझे देते हैं तो मुझे बहुत गर्व फील होगा और मैं आपको उसके बदले में हेलमेट दूंगा ताकि हमारा जो भारत है सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। अगर आप चाहें तो पुस्तकें भी लेकर के आ सकते हैं ताकि मैं आपके पुस्तक द्वारा मैं भारत को 100% साक्षर बना सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको जय हिंद बोलना चाहूँगा। मैं कोई आर्मी मैन नहीं हूँ, लेकिन जो देश में जो कार्य कर रहा हूँ मैं अपने साथियों अपने भाइयों के लिए कार्य कर रहा हूँ ताकि वो समझे। और भारत के अंदर जो आज सड़क दुर्घटना है ये कोरोना महामारी से भी बहुत बड़ी महामारी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना जो मौत हो रही है शायद उतनी कोरोना से भी नहीं हुई। तो इसलिए हमें हर सर को हेलमेट पहुँचाना है और इस दुर्घटना में कमी लाना है। जय हिंद। बे औलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जिया बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।